मैं आपसे जाना चाहूँगा ट्विटर पे ओरी के रिएक्शन के बाद बहुत कुछ सारे मैसेजेस आ रहे हैं, किस तरीके का जवाब देना चाहेंगे या क्या कुछ बोलना चाहेंगे? क्या है, मैंने नहीं देखा है। कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि आप एक आपके कमबैक के लिए काफी ज्यादा आ रहा है, ओरी पे कुछ कहा था शायद आपने? अच्छा, मैंने ओरी के लिए मैंने ये बोला था कि बहुत एंटरटेनिंग है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था घर में इतना ठंडा चल रहा है, इतना मतलब ऐसा लग रहा है कि टीवी बंद कर दो, तो मुझे ऐसा लग रहा था जब ओरी कुछ बोल रहा था तो मतलब यूनिक लग रहा था, कुछ अच्छा होगा। डेफिनेटली गेम तो नहीं चेंज कर पाएगा क्योंकि वो एक एंटरटेनिंग टाइप से हैं, तो उस टाइप से मैंने शायद फैंस को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है क्योंकि ओरी बहुत ज़्यादा इस टाइम ट्रेंडिंग कर रहा है। मुझे खुद भी पसंद आया था क्योंकि वो जिस तरीके से अभिषेक से बात कर रहा था क्रिकेट के बारे में, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ओरी एंटरटेनिंग करेगा घर में, और वो दो दिन निकल गया था, वो मुझे नहीं अच्छा लगा। अभी अब्दू भी गया है घर के अंदर, तो कैसा लग रहा है आपको? अब्दू गया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छा ही कुछ होगा एंटरटेनिंग में, बट उसमें घर में एनर्जी लाने लायक है क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा हो चुका है घर। मैम कैमरा लुक, सोनिया जी कहीं ना कहीं घर में जितने भी सदस्य सभी के सभी बोल रहे हैं कि मुझे बाहर जाना है, मुझे बाहर जाना है। देखो क्या लगता है, मतलब आई थिंक उनको चीज़ें है ना पॉजिटिव लग नहीं रही हैं, क्योंकि उसमें कोई खेल ही नहीं रहा है, ना ही कोई इंटरटेनिंग चीज़ें हैं जिससे इंसान झगड़े झगड़े ही हो रहे हैं, झगड़े भी उतना ही हो रहे हैं जितना नॉर्मल था, कभी कभी किसी किसी का नंबर आ गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि उसमें दो चार लोग जाएंगे तो डेफिनेटली कुछ गेम अच्छा रहे। कौन कौन? अब ये मैं कैसे बता दूँ, वो ही लोग बताएंगे बिग बॉस की टीम कौन कौन जाना चाहिए। शुरुआत में नील को होल सीजन के लिए नॉमिनेट कर दिया गया है, इस पे क्या टेक आपका अनुराग का? उससे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, उससे क्या नॉमिनेशन से कोई फर्क नहीं। साथ ही मुनावर बहुत से शायरी सुना रहे घर के अंदर, तो कैसी लगती है उनकी शायरी? अच्छी लगती है, शायरी से अच्छा है कि वो लोगों के लिए जो अपने जो चीज़ें होती हैं वो निकाल के रखें तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसे शायरी ठीक है, एक इंटरटेनिंग है, लोगों को सुन के अच्छा फील होता है, बट उस घर में थोड़े से मुद्दे हैं, उनको ठीक करना चाहिए। मनारा का कोई है टॉपिक या इसका अंकिता का कोई टॉपिक है, वो ठीक करना चाहिए। आपने मैम डे वन मुलाकात में कहा था कि घर से खूबसूरती बाहर आ गई, इतनी खूबसूरत घर के अंदर थी, अब वो भी बाहर आ गई, तो घर में उतनी रौनक नहीं रही, ऐसा आपको अभी भी लग रहा है देखते वक्त? कोई है वहाँ पे? आप लोगों को लग रहा है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि खूबसूरती ठीक है, वो भी होना चाहिए, बट उससे पहले ये होना चाहिए कि वहाँ पे मुद्दे हैं उनको ठीक करें और कुछ इंटरटेनिंग हो। घर में बहुत ज़्यादा ऐसा हो गया ठंडा माहौल, तो उसको ठीक करने की ज़रूरत है। कौन है ठंडे माहौल का सबसे बड़ा कारण? सब कारण ही है बेचारे, कोई पॉजिटिव नहीं, मतलब ऐसा लग रहा है कि सबको ऐसे घर जाना है, आई थिंक 7th-8th week हो गया है ना, तो बस बोल रहे बस हो गया, अब क्या करना है? तो घर जाकर विनर की ट्रॉफी कौन लेके जाए क्या लगता है? मुनावर ले जाएगा, मुनावर आराम से है ना, उसका फ़र्क नहीं पड़ता, तो मुनावर है, ये लोग सोच रहे हैं कि हाँ भाई ये तो डल होते जा रहे हैं और आगे जो लोग होंगे वो लेके जाएंगे। जब अपने फैंस ऑडियंस को क्या कुछ बताना चाहेंगे? आपका नया गाना भी आने वाला है, ये आपने बहुत जल्दी सुन लिया। हाँ, मतलब अभी जितना ट्विटर मैंने देखा है उतने में ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं वो मतलब एक अलग ही भी है, मैं तो उतना यूज भी नहीं करती, बट ठीक है अभी जस्ट मैं स्टार्ट किया। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच मैम। ओके, थैंक यू फॉर योर टाइम। गुड बैक, गुड बैक, थैंक यू मैम। हेमा मालिनी, लुक बैक फॉर फिल्मी ज्ञान, थैंक यू।